ग्रामीण भारत बंद का आह्वान था और ऐसे में दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद है। डीसीपी ट्रांजेंडन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है आज किसानों का भारत बंद का आह्वान था? आज जो भारत बंद का आह्वान था, जिसमें किसान और मजदूर यूनियन ने भी किया था, इसी के चलते यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पे यूपी गेट पे हमने जो लोकल जोन से फोर्स है उसको तैनात किया गया है, और हेडक्वार्टर से हमें क्यूआरटीस भी मिली है, वो भी तैनात है, और पीएसए का एक प्लाटून मिला है, वो भी यहाँ पे तैनात है। और यहाँ पे ड्रोन से निगरानी रखी गई है, और किसी भी तरह के जो भी अलर्ट आएगा उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए हम रेडी है। सर, ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक जो है लगातार पीछे पूरा जाम है, उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियाँ ट्रैफिक को लेकर भी की गई थी? ट्रैफिक का जो अलर्ट था उसी के हिसाब से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। अभी जो मेन डेलिमिटेड एक्सप्रेसवे है वहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि थोड़ा चेकिंग हो रहा है। अभी वहाँ पे भी चेकिंग थोड़ा रिलैक्स करके इसको रेगुलर किया जाएगा। जो अलर्ट आया था उसी के तहत चेकिंग चल रही है, और उसी की वजह से थोड़ा ट्रैफिक स्लो चल रहा है। बाकी जो अन्य मार्ग है वहाँ पर ट्रैफिक एकदम व्यवस्थित चल रहा है। तो ये थे डीसीपी ट्रांसेंडर निमिष पाटिल, सुखकर संत मौजूद थे। साफ तौर पर इंटरटेन ने जिस तरह से आज बंद का आह्वान किया गया था उसको लेकर पूरी चाक चौबंद सुरक्षा की गई है। गाजियाबाद से जनतंत्र टीवी के लिए सुनील गौतम।